हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए गाइस, आपके रिलेशन को लेकर आई हूँ उस रीडिंग को। सो आपका जिन किसी के साथ में रिलेशन है, आपके जो कोई भी पर्सन है, जिन किसी को भी आप अपना पर्सन मानते हैं, जिन किसी के बारे में भी इस वक्त आप सोच कर उनका नाम सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएँ क्या हैं आपको लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो पर्सन, इस टाइम पर क्या कुछ सोच रहे हैं वो पर्सन, यही जिसको जो है मैं चेक करने वाली हूँ। सो इन पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स, यानी कि वाकई में सच्ची में इनकी सच्चाई में आखिर क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ इनके मन में चलता है। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस रीडिंग को। जनरल बेसिस पर रीडिंग है, जनरल तरीके से देखेगा, इन टाइमलेस बना रही हूँ उस रीडिंग को। सो जब भी रीडिंग आपको मिलती है आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपको सडनली मिलती है, अचानक से मिलती है, तो आप समझ लीजिए कि जो रीडिंग है आप ही के लिए है। सो डेट आपको मिल गई है ये रीडिंग एंड आप इसको चेक कर सकते हो। सो रेजोनेट होती है तो देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। टाइमलेस है ये रीडिंग, जनरल बेसिस पर है, ऑल साइन के लिए है। सो इन पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, जिन किसी के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, इनकी ट्रूली फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो किंग ऑफ कप्स स्टार्टिंग में ही मेरे पास में किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज इन पर्सन की आपको लेकर, माना लगाना से। सो कार्ड की एनर्जीज तो मुझे मिल रही है बट मैं क्लैरिफाई करूंगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज, फोर ऑफ सिक्स ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो टावर की एनर्जीज मेरे पास में आ गई हैं। सो जो टावर का कार्ड है गाइस, मुझे एनर्जीज दे रहा है किसी अचानक ही बदलाव के, किसी सडन चेंज के जो आपके रिलेशन में आया। यानी कि हो सकता है आपका जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रिलेशन था, क्योंकि मेरे पास में किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन को बता रही है कि अपने रिलेशन से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है खुश थे, हैप्पी थे, हैप्पी मोमेंट्स को जो है एक दूसरे के साथ में शेयर कर देते। यानी कि आपके रिलेशन में मैं देख रही हूँ किसी भी चीज़ की जो है कमी नहीं थी, आप लोग की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू थी, पॉजिटिव थी। एंड मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ की एनर्जीज भी मुझे मिल रही है, बट सडनली कोई चेंज आया है आपके रिलेशन में, अचानक कोई बदलाव है। यानी कि शायद एकदम स्टेप बाय स्टेप या फिर स्लोली स्लोली आपको जो है, हो सकता है अपने पर्सन के बिहेवियर में चेंज मिला हो, या फिर हो सकता है स्लोली स्लोली ना हो, अचानक से ही कोई जो है चेंज आ गया हो, जो आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट के लिए कहा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको ऐसा महसूस होता है, या फिर किसी कोई न्यू पर्सन जो है आपके रिलेशन में एंटर हो जाते हैं, जिससे सडनली जो सारी चीज़ें हैं अचानक ही जो है चेंज हो गई, अचानक से ही जो है बदल गई, आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाए, कंफ्यूज रह गए, क्लैरिटी नहीं मिल पाई। सो बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं आपके पर्सन की आपको लेकर, कि आपके पर्सन आपको इस टाइम पर, अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आपके साथ में ब्लॉक कांटेक्ट में है, या फिर अगर आपके साथ में ब्लॉक कांटेक्ट में ना भी है बट जो बातचीत है वो ठीक से नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन, आपसे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा याद आती है, खासकर कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये पर्सन सोचते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको ये पर्सन बहुत लंबे समय तक जो है सोचते हैं, सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग जो है करते हैं। सो मेरे पास में यहाँ पर आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स आ गई हैं, बट सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी हैं जो मुझे किसी पर्सन की ऐसी एनर्जीज दे रही, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में जो है आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी लाइफ में इस वक्त में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है। तो सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज को जो है मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, सो मेरे पास में एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। ओके, सो फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे हाई वाइब्रेशन मिल रही है इस टाइम पर इस कार्ड में से, कि आपके जो पर्सन है, जो भी पार्टनर है, जिन किसी के बारे में इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, मेरे पास में उनके लिए सोर्स की एनर्जीज है, वेंट्स की एनर्जीज है। यानी कि किसी ना किसी के साथ में उनकी कोई जो है बातचीत मुझे कुछ बिगड़ी हुई सी नज़र आ रही है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस
कोई ब्लेमिंग एनर्जीज, या फिर ये किसी को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर कोई इनको ब्लेम कर रहा है, या फिर मन में किसी बात का ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बर्डन को महसूस कर रहे हैं। सो ये बर्डन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई बर्डन है जो ये पर्सन अपने आप से ही कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि कोई और हो सकता है इन पर बर्डन ना भी डाल रहा हो, बट ये पर्सन अपने आप से ही खुद जो है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, जिससे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुलकर आपसे कहना चाहते हैं, सामने से आकर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बट शायद कहते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मन में कहीं ना कहीं जो इनकी बातें हैं वो दबी रह जाती हैं, और उन चीज़ों के चलते मुझे लग रहा है जो पर्सन है यहाँ पर स्टैम्प पर कोई बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं आपसे। फिर वो ऐसा भी एनर्जीज हो सकती है गाइस कि महसूस ये पर्सन स्टैम्प पर बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए पर्सन आपसे कुछ चीज़ें तो उन्होंने आपसे शेयर करी है, बट कुछ चीज़ें जो है उन्होंने आपसे शेयर नहीं भी करी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन मन में बर्डन को महसूस कर रहे हैं, एक मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक कंट्रोल्स अपने ऊपर जो है महसूस कर रहे हैं। सो ये पर्सन कुछ जो है आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज देख लेती हूँ मैं कि क्या है वो चीज़ आखिर जो ये पर्सन इतना ज़्यादा जिसको लेकर बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपसे कह भी नहीं रहे, यानी कि फीलिंग्स को छुपा कर रखा हुआ है। तो क्या है उनकी हिडन छुपी हुई फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, क्या कुछ एनर्जीज है? ओके, सो फाइव ऑफ कप्स। अगर ये पर्सन आपके साथ में, मैं इतनी बात तो देख रही हूँ गाइस, अगर ये पर्सन आपके साथ में ब्लॉक कांटेक्ट में है, या फिर आप लोग के बीच में ब्लॉक एनर्जीज हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर अगर ऐसा सिचुएशन है कि शायद कम्प्लीटली या फिर पार्शियली इन पर्सन का आपके साथ में जो एक नो कांटेक्ट है, तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ में इस नो कांटेक्ट के चलते परेशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, इनको एक फियर की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कोई अंदर से कोई डर है, कोई फियर है, और किसी चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता होती है, जिससे हो सकता है पर्सन ठीक से जो है सो ना पाते हों, या फिर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ को लेकर टेंशन कर रहे हैं, इस रिलेशन को लेकर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पर्सन टेंशन कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा फील करते हैं ये पर्सन कि कुछ इनकी तरफ से जो है कमी रह गई, या फिर किसी छोटी सी बात पे अगर ये पर्सन आपसे जो है नाराज़ हो गए हैं, तो उन चीज़ों को अभी पर्सन ना बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इनकी फील कर रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं शायद ये पर्सन, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली मुझे इन पर्सन की जो एनर्जीज़ आ गई हैं वो बिल्कुल क्लियर एनर्जीज़ आ गई हैं, इन पर्सन की जो कि टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ हैं, कि पर्सन आपसे मूव ऑन होकर आपकी लाइफ से दूर जाकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सब टेंशन में है, परेशान हो रहे हैं, उस टाइम हो सकता है इन पर्सन ने जो है जल्दबाजी में आकर एक फ़ैसला ले लिया, या फिर आपसे दूर चले गए, या फिर शायद कुछ और ही सोचा, बट अभी सिचुएशन बिल्कुल इनके जो है अपोजिट हो गई है। इस टाइम पर ये वो चीज़ों का एक्सप्रेस जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने बिल्कुल सोची भी नहीं थी कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ से दूर चले जाते हैं, या फिर आपसे दूर चले जाते हैं, फिर अगर कुछ दिन आपसे बात नहीं करते हैं, तो इतना कुछ जो है ये पर्सन महसूस करने वाले हैं, शायद ये चीज़ें इन पर्सन ने सोची भी नहीं थी। तो जो चीज़ें इन्होंने शायद सोची भी नहीं थी, मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ इनके साथ में शायद आजकल जो है हो सकता है हो रही हो, ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, ऐसा ही पर्सन महसूस कर रहे हो कि इनको जो है इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, ऐसा महसूस कर रहे हो जिसे एक अलोन एनर्जीज आती है, अकेलापन, अधूरापन, या फिर शायद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, फुल एन्जॉयमेंट है, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द कार्ड के डेक की एनर्जी से मेरे पास में आ रही है टेन ऑफ सोर्ड्स, किसी बात का मन में बर्डन है, डीप पेन है, क्योंकि अपने उस पर्सन के पास में ये पर्सन नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ये पर्सन चाहते हैं, जो कि आपकी एनर्जीज मुझे आ रही है यहाँ पर कि ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल के, यानी कि टेन ऑफ वैंड्स पछतावे की, गिल्ट की सिचुएशन से निकल कर, या फिर इस सिचुएशन से निकल कर कि मुझसे गलतियाँ हो गई या जो कुछ भी हो गया, उससे बिल्कुल टोटली बाहर निकल कर जो है आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, यानी कि बल्कि जो मुझे यहाँ पे बैंड्स की जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो बिल्कुल मुझे इंडिकेट कर रही है कि टोटली काफ़ी हद तक ये पर्सन रेडी हैं आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, कि बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसे इन पर्सन ने एक तरीके से एक सडन प्लानिंग कर रखी है, अचानक ही जो है कोई प्लानिंग कर रखी है कि पर्सन आपकी लाइफ में जो है कम बैक कर जाएंगे बहुत जल्द। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग्स हैं गाइज रेजोनेट की हो। साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनकी फायर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो
इतनी ही एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पर मिल रही है, लियो की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग्स हैं गाइस रेजोनेट की हो। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं जो कि पेड रहता है, फ्री नहीं होता है गाइस, क्योंकि वो पेड पर्सनल प्रेडिक्शन है। सो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर से ही मुझे जो है आप कॉन्टैक्ट करें। कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी अपना फ़ोन नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है उसे शेयर नहीं करती हूँ। सो किसी भी कमेंट सेक्शन के जो नंबर पे है ट्रस्ट ना करें अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस पे चल रहे नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड टिल द टाइम टेक केयर एंड नेवर स्टे।